श्री प्रभुर भगवत कुंद कुंदों में ग्रंथराज पंचायस्तिकाजी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। त्रिकालिक चिदपंड ज्ञान घन भगवान आत्मा सुस्वरूप में अवस्थित है। मोक्ष मार्ग पर चलना सुर दुर्लभ है। मोक्ष मार्ग पर चलना सुर दुर्लभ है। सौधर्म इंद्र को जम्मू द्वीप को पटलटने की क्षमता है। सौधर्म इंद्र जम्मू द्वीप को उलट पलट कर सकता है, इतनी सामर्थ है। जम्मू द्वीप को पलटने की सामर्थ रखने वाला जीव छोटा सा व्रत लेने की शक्ति नहीं रखता। सौधर्म इंद्र का रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता, करता नहीं है, क्योंकि वहां दिन रात का भेद नहीं है स्वर्गों में। लेकिन त्याग नाम की कोई वस्तु नहीं उसके पास, इसलिए संयम जो है सुर दुर्लभ है। सकल संयम के लिए नर देह प्राप्त करना, सकल संयम के लिए ज्ञानियों कर्म भूमिया होना, सकल संयम के लिए पर्याप्तक मनुष्य होना, सकल संयम के लिए कर्म की चौकड़ी का अच्छे अच्छे उपशम चाहिए। सकल संयम के लिए भव्यत्व भाव चाहिए। अब वो जीव रत्नात्रेय के धारण की बात तो छोड़िए, रत्नात्रेय धर्म पर श्रद्धा को प्राप्त नहीं होता। ध्रुव संयम को धारण करके ग्रीव तक जा सकता है, लेकिन संयम के प्रति आस्था किंचित मात्र भी नहीं है। अभव्य का धारण किया गया द्रव संयम मोक्ष मार्ग में अकिंचित कर है। अब वो जीव का रत्नात्रे धर्म द्रव लिंग को धारण करना, स्वर्ग में पहुंचना, ग्रीवक में पहुंच जाना, फिर भी मोक्ष मार्ग में अकिंचित कर है। जैसे दरिद्री को रत्न मिल जाए, ऐसे मित्र आपको अरहंत के शासन पर जो आस्था मिली है, दरिद्री रत्न पाके नाचता है, ऐसे जिन शासन में एक बार नमोस्तु करने पर आपको नाच उठना चाहिए। सहज भाई देख बेटा, ओ सहज ज्ञानी, यही भाग्य तेरा है कि भगवान के द्वार पर खड़ा है। ये मत सोचना मैं धनपति का पोता हूँ, धनपति का बेटा हूँ, ये सोचो मैं अरहंत के शासन में जन्मा हूँ। इसलिए यहाँ पर भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कमल भैया मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करने के लिए शक्ति चाहिए। दिगंबर मुनि होने के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए, मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करने के लिए शक्ति चाहिए। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है तंकार, वे बेटा तीर्थंकर के शासन की प्रशंसा नहीं कर सकते। शक्ति चाहिए, मतलब आपकी भाषा में बोलूं कमल भैया,
चेहरा विशाल चाहिए, सीना विशाल चाहिए, तब कहीं व्यक्ति जैन मुनि की प्रशंसा कर पाएगा। जिनकी मन में विकल्प है, जिनकी मन में पाप बैठा हुआ है, वे परमात्मा की बात कर पाएंगे, लेकिन जैन मुनि के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मुनियों के बारे में बात कर देंगे तो हम ज्ञानियों की पूछ समाप्त हो जाएगी। पूछ समाप्त हो जाएगी। ज्ञानी मोक्ष मार्ग पूछ का नहीं है, मोक्ष मार्ग इन तीन का नहीं है, मोक्ष मार्ग सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र का मार्ग है। इसलिए यहां पर जो गाता सूत्र आज है वो ये कह रहा है कि मित्र मोक्ष मार्ग की प्रशंसा के लिए भव्यत्व चाहिए। जितने यहां विराजे हैं और श्रद्धा से बैठे हैं, इन सब जीवों को अपने पूर्व भव का प्रशंसा करना चाहिए, स्वयं के पूर्व भव की प्रशंसा करना चाहिए। विप्रणाम मेरे कितने पवित्र होंगे, विप्रणाम कितने पवित्र होंगे, प्रणाम कितने पावन होंगे, जिन प्रणामों ने मुझे भव दे दिया कि हम भगवान के पास बैठे हैं। इसी समय लोग तालाबों के बीच में मछली पकड़ रहे होंगे। इसी समय जैसे तेरी माँ छत पर बड़ी पापड़ सुखाती है ना, ऐसे नदी तालाबों किनारे लोग मछली सुखा रहे हैं। इसी समय एक व्यक्ति द्रव्य धो रहा है अरहंत की पूजा के लिए। इसी समय लोग मांस धो रहे हैं। उसमें सोचना चाहिए कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं। उस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से तुम बड़े हो जिसके सामने कोई गलत प्लेट आ गई हो। हमारे सामने अरहंत देव की पूजा करने के लिए द्रव्य की प्लेट लगी हुई है। उसमें सोचना चाहिए निश्चय मेरा औभाग्य कितना बड़ा है। दृश्य सुबह से जग करके अरहंत देव के सामने द्रव्य की थाली लगा के तो देखना बेटा, पर सुबह से कोई अवच्य की थाली देखने का मन नहीं करना। बासी रोटी खाने के लिए मत रोना, स्वास द्रव्य से भगवान की पूजा करने का विचार करना। इतनी गहरी गाथा यहां पर लिखी है कि पंडित जी सुर दुर्लभ देवों के पास तंकर बेटा भूख लगे ना उनको अमृत झरता कंठ से। जैसे उनको भूख लगती है उनके कंठ से अमृत झरता है। हजारों वर्षों में वे भोजन करते हैं, वो खाते नहीं है ऐसा। भूख लगी, इच्छा हुई, तुरंत अमृत झर गया कंठ से। पक्षों में श्वास लेते हैं, प्रतिदिन श्वास नहीं लेते देव। अब सोचिए आप, ऐसे देवता भी इन मनुष्यों को प्रणाम करते हैं। छायक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र मनुष्यों के चरणों में सिर टेकता है। छायक सम्यक दृष्टि के आगे मनुष्यों के पास कोई भी वैभव नहीं है। जो बाहर के वैभव से युक्त है ऐसे मनुष्य को
छायक दृष्टि छायक सम्य दृष्टि सौद्रविंद्र निश्र नहीं टिकता। जो रत्नात्रेय धर्म से मंडित है अथवा तीर्थंकर प्रकृति का उदय बंधक जीव है उसे सिर टिकता है। एक सौद्रविंद्र कितनी सामर्थ्यवान है उसका भी सिर झुक जाता है। किसके प्रति? कौन से मनुष्य के प्रति? जो मनुष्य सम्यक दर्शन ज्ञान चार सूक्त ऐसा दिगंबर मुनि है उसके प्रति। जितनी ब्रह्मचारी भैया बैठे मुझराज बैठे बेटा इनसे ज्यादा उम्र वाले तो ये लोग बैठे हुए हैं, फिर भी यदि आप महाराज जी बन के आते हो तो पंडित बनारसदास जी आपको नमोस्तु करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, वो कह रहा है बड़ी दमंगी के साथ करेंगे, उसे विश्वास है। रत्नात्रेय की पूजा होती है, बालक पूजा ही नहीं करेंगे? जैसे आप आएंगे तो वो कहेंगे हे गुरु जी, गुरु महाराज कहेंगे, निश्चय आप मुराज बन गए तो ये श्रेय से आपको गुरु महाराज बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। अब बेटा सोचो वीतराग धर्म की क्या महिमा, एक 8 वर्ष के बच्चे को भी पूर्व कोटि के आयु धारक चक्रवर्ती जीव भी क्यों ना हो, वो भी 8 वर्ष के बच्चे को भूला भो स्वामी नमोस्तु। ये रत्नात्रेय धर्म की महिमा है, इसलिए प्रत्येक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के लिए उनका धर्म है कि अपने धर्म को ऐसे पालें जिसे रत्नात्रेय धर्म का अभिवादन बने बढ़े। रत्नात्रेय धर्म के प्रति अभव्य एक क्षण को इतना भाव तो आ जाए कि कोई श्रेष्ठ है, श्रद्धा से तो कभी नहीं आएगा। अभव जी विपुल श्रद्धा से कभी पंच परमेश्वरी को नमस्कार नहीं कर सकता। सद्येदि रोचेदि प्रोवि पासेदि धम्मम भोनिमित्तम नतकम मुखेनिमित्तम। अभव प्राणी श्रद्धान करता है, रुचि करता है, प्रतीति लेता है, अनुभूति लेता है, धम्मम भोगनिमित्तम। ओह भैया रहने दे, ये धर्म चल रहा है भोग नहीं चल रहा है। धम्मम भोग निमित्तम, धम्मम भोग निमित्तम। अज्ञानी प्राणी धर्म कर रहा है भोग के लिए, और ज्ञानी प्राणी धर्म कर रहा है कर्म के मोक्ष के लिए। धम्मम भोग निमित्तम, किंचित भी प्रणाम ये हो गए कि प्रभु संपत्ति बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, कीर्ति बढ़ जाए, लोक में पहचानने लग जाए, इसलिए मंदिर जाऊं। ये धर्म भोग का निमित्त है, कर्म क्षय का निमित्त नहीं है। प्रथम ये धर्म भोग का निमित्त है, कर्म क्षय का निमित्त नहीं है। सम्यक दृष्टि सच्चा सम्यक दृष्टि जीव अपने शरीर की पहचान बनाने के लिए प्रभु के द्वारे नहीं आता है, अपने निज भगवान आत्मा को पहचानने के लिए प्रभु के द्वारे आता है। इसलिए ज्ञानी इसलिए मत आना कि मंदिर आता रहूंगा, समाज के लोग देख लेख रहेंगे तो कहीं कम से कम अच्छे घर में शादी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं सोच रहा भाई। बोले माता पिता ने कहे तुम मंदिर जाता नहीं, कौन अपनी बिटिया देगा, थोड़ा मंदिर जाना शुरू करो, समाज के लोग देखें तो शादी भी हो जाएगी। ऐसा सोच करके मंदिर आ रहा है तो धम्मम भोग निमित्तम, बोल बेटा जोर से धम्मम भोग निमित्तम, बोलो जोर से धम्मम, फिर से बोलो। बहुत बढ़िया, अब कहीं तेरी माँ कहे ना मंदिर चले जा फिर लड्डू दूंगा तो कहना माँ धम्मम भोग निमित्त,
सकता हूँ, मैं भूख के लिए धर्म नहीं कर रहा हूँ, मंदिर जाऊंगा, आप लड्डू दो या ना दो। बड़े सेठी कही दादा के तू मंदिर चला जा, तुझे मैं अपना हिस्सा दे दूंगा। तो बेटा प्रेम से कहना, दादाजी हिस्सा तो मेरे भाग में वैसे ही लिखा है, मुझे मंदिर जाना चला जाऊंगा, लेकिन हिस्से के लिए मंदिर भेज रहे हो, धम्मम भोग निमित्तम। क्या नहीं सुन रहे कि नहीं? ओ भाई दृश्य, ये रवसेन जी कहें चला जाओ मंदिर, मैं अपना हिस्सा तेरा दे दूंगा। कहना दादाजी हिस्सा दो ना दो, लेकिन धम्मम आप मुझे भोग का लोभ देकर के मंदिर भेज रहे हो, ये नहीं हो सकता है, मैं धर्म करूंगा कम खेणमित्तम। क्यों बोलो बोलो, कम खेणमित्तम, कम खेणमित्तम। सम्यक दृष्टि जीव धर्म करता है कर्म छे के निमित्त से, और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अभव्य करता धर्म भोग निमित्तम। बस अब अपनी परीक्षा कर लीजिए, स्वयं स्वयं की परीक्षा करो, धर्म क्यों कर रहे हैं, धर्म क्यों कर रहे हो। बोला हार्दिक से कहना, गुरुजी के पास आहार देने क्यों जाना चाहते हो, इनसे प्रश्न जरूर करना। तीन कम नौ कोटि मुर्जाज भगवान है, वहीं क्यों खड़े होना अपन को, किम धम्मम भोग निमित्तम कि कम खेड वित्तम। बालक ये प्रश्न करना पड़ेगा, और ये प्रश्न करोगे, ये प्रश्न करोगे तब कहीं पारस धर्म समझ में आ पाएगा। वो प्रश्न करना ही चाहिए, प्रश्न अपने आप से करना ही चाहिए, अभिषेक प्रश्न अपने आप से करना ही चाहिए, अमित प्रश्न करो अपने आप से। संसार के सुखों की व्यवस्था नहीं बन रही थी, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं।